देखिए, महामारी के खिलाफ महायुद्ध में जीत हासिल करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। वैज्ञानिक लगातार वैक्सीन की खोज में जुटे हैं, लेकिन उसमें कामयाबी कब मिलेगी नेहा, ये अभी सवाल है। अलग अलग देशों की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कोई ह्यूमन ट्रायल की स्टेज में पहुंच चुका है, ये भी दावा किया जा चुका है, लेकिन भारत उन देशों में शामिल है जहां ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है, एम्स दिल्ली में 50 वॉलंटियर्स पर पहले वैक्सीन ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद अगर इसका सफल परीक्षण हो जाता है तब ये वैक्सीन बाजार तक पहुंचेगी। हिंदुस्तान से दुनिया को बड़ी उम्मीद है, भरोसा है कि देश के वैज्ञानिक जल्द ही कोरोना को खत्म करने वाला वैक्सीन खोज निकालेंगे। इस मुहिम का सबसे बड़ा केंद्र बना है देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स। एम्स में सोमवार से कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब गुरुवार या शुक्रवार को कोवैक्सीन की पहली डोज रजिस्ट्रेशन कराने वाले वॉलंटियर्स को दे दी जाएगी। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से बनाया है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये उन कोरोना वायरस के पार्टिकल से बनी है जिन्हें मार दिया गया था ताकि वो इफेक्ट न कर पाए। इसकी डोज से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है। सो जो भी गाइडलाइंस हैं उनको मॉनिटर करना है, जैसे बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग 1 वीक तक, तो 1 वीक तक क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे हम उनको पार्टिसिपेंट्स का। इंजेक्शन देने के बाद 2 घंटे तक वो वहीं पे रहेंगे, 2 घंटे तक उनको अपने पास रखेंगे, उसके बाद 2 घंटे के बाद वो घर जाएंगे, घर पे उनका डेली फॉलोअप हम करेंगे। उनको हमने एक डायरी दी हुई, उनको एक डायरी देंगे जिसमें वो अपना जो है कोई भी कंडीशन होता फिर भी लिखेंगे। एम्स दिल्ली में ह्यूमन ट्रायल के लिए 1800 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। पहले फेज में सिर्फ 100 लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जाना है, उसमें भी सिर्फ 50 लोगों पर पहला डोज दिया जाएगा। उन 50 लोगों से जो आंकड़े डेटा मॉनिटरिंग कमेटी को मिलेंगे उसी के आधार पर अन्य 50 वॉलंटियर्स को वैक्सीन देने पर फैसला होगा। और फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वैक्सीन का ट्रायल है वो 2 ग्रुप्स में बांट के होगा। एक ग्रुप को कोरोना वायरस की वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी, दूसरे ग्रुप को कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी। और इसमें जांचा जाएगा कि किस तरीके के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि इन रिजल्ट्स को आने में अभी 2 से 3 महीने और लग सकते हैं। कोवैक्सीन को फेज 1 और फेज 2 ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है। फेज 1 में कोवैक्सीन 18 से 55 वर्ष की उम्र के ऐसे लोगों को दी जा रही है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी नहीं है। फेज 2 के लिए 12 से 65 वर्ष के 750 लोगों को शामिल किया जाएगा। ट्रायल के लिए ICMR ने उन्हीं संस्थानों को चुना है जहां पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विंग है। वैक्सीन की 2 डोज होंगी, पहली डोज के बाद दूसरी डोज 14वें दिन दी जाएगी। तैयारी पूरी है। एम्स के डायरेक्टर की माने तो साल के अंत तक या दूसरे साल के पहले महीने तक हम कोरोना की वैक्सीन जरूर बना लेंगे। वैक्सीन के 3 फॉर्मुलेशन ट्राई किए जाएंगे। सार्स कोविड जो वैक्सीन है उसके 3 सब यूनिट्स ट्राई किए जाएंगे और पहले फेज में हम ये देखते हैं कि सेफ है और डोज रेंज देखते हैं कि कितना डोज देना चाहिए जिससे वैक्सीन की एफिकेसी होगी। दिल्ली एम्स के अलावा देश के अन्य 11 सेंटर्स पर भी ये पहल हो चुकी है, वहाँ ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। मिलन शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो दुनिया के कई अन्य देश भी इस रेस में दिखाई दे रहे हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तो ये दावा किया है कि उनके वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का रिजल्ट काफी सकारात्मक रहा, इंसान के लिए सुरक्षित है। तो वहीं अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी ने भी अपने 2 ह्यूमन ट्रायल के सफल होने का दावा किया हुआ है। लेकिन मीनाक्षी, यहाँ पर गौरतलब बात यह है कि कब तक, किस टाइमलाइन तक ये वैक्सीन पहुंच पाएगी, क्योंकि इस समय जिस तरीके के संक्रमण से तमाम देश गुजर रहे हैं, उम्मीद भरी निगाहें इस वक्त चीन पर टिकी हुई हैं और साथ ही अमेरिका पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका के पास जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का विकसित वो देश है, ये माना जा रहा है कि यहीं से वैक्सीन आ सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।